गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन, वेलकम टू क्लास टू. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर फर्स्ट लेसन फॉर द न्यू सेशन इज साइंस. दिस इज योर साइंस बुक, द साइंस फैक्टर. दिस बुक इज रिटन बाय निकोलस ब्राश. And this book is for the primary classes. In this book, we will read about different things. We read about human, the human body, the plants, the animals, the light, the sound, the solar system. Each and everything exists in the world. We will read about. Now open your books. This is our book contents. जैसे कि बच्चों, मैंने आप लोग को पहले बताया कि इस बुक में हम पढ़ेंगे क्या. कॉन्टेंट्स में हमारे पास वो सारी चीज़ें दी गई होती हैं जो इस पूरी बुक में मौजूद होती है. सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज साइंस. जैसे कि बच्चों, आप सबको पता है कि हम किताब साइंस की पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, हमें ये जानना है कि साइंस क्या है. व्हाट इज साइंस. ओपन पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक. वी विल रीड अबाउट व्हाट इज साइंस. ओके, इन योर बुक्स पेज नंबर 4 यू हैव गिवन अ साइंटिस्ट. ये साइंटिस्ट आप लोग की बुक में थ्रू आउट आप लोग के साथ रहेगा और आप लोग को ये साइंस का एडवेंचर बताएगा. इन 2 पेजेस पे इसने पूरा टोटल बताया है कि साइंस है क्या. तो आसान लफ्जों में हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट कहता है कि आई लव साइंस एंड आई एम अ सुपर साइंटिस्ट. और ये आप लोग को बताता है कि साइंस इज आल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ. साइंटिस्ट कहता है कि साइंस हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. वो कहता है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, जैसे ये उठा है, तो साइंस हरकत में आ जाती है, साइंस काम करना स्टार्ट करती है. जब हमारी बॉडी मूव करती है तो साइंस इज एट वर्क. और जब हम बेड से उठ के टूथ ब्रश करते हैं अपना टीथ, तो जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास फैक्ट्रीज में साइंटिस्ट बनाते हैं. उसके बाद हमारे पास जब हम खेलने निकलते हैं या हम स्कूल के लिए वॉक करने निकलते हैं, तो वहाँ पे साइंस वर्क में साइंस काम करना स्टार्ट कर देता है. साइंस इज ऑल अराउंड यू, इट इज़ बीनीथ यूअर फीट. ये हम साइंस हर जगह है. ये हमारे पाँव के नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी है, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, ये सारी हमारे पास साइंस है. एंड साइंस इज इन द स्काई. और साइंस जो है वो आसमान में भी है, जैसे कि मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, सन, प्लैनेट्स, दीज ऑल आर साइंस. ओके, नाउ लुक एट देयर साइंटिस्ट. जंजीरों में इसने खुद को बंद कर दिया है. और इधर ये कहता है यू कैन नॉट स्केप साइंस. आप लोग साइंस से नहीं बच सकते, इससे नहीं भाग सकते. हर जगह आप लोग को साइंस देखने को मिलेगी. ओके, अब आ जाते हैं इस इधर हमारे पास ये पैरट है. ये पैरट हमें बताता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब गुजरे हुए ज़माना, अभी जो है और आने वाली ज़माना, आने वाली जो वक्त होगा उसमें साइंस हमें बताता है कि क्या होने वाला है. हमें पास्ट का भी पता है साइंस के ज़रिए, हमें प्रेजेंट का भी पता है साइंस के ज़रिए, और हमें फ्यूचर का भी साइंस ही बताता है. जैसे इधर साइंटिस्ट कहता है, ये पैरट कहता है, साइंटिस्ट डू नॉट जस्ट शो अस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स टुडे. साइंटिस्ट सिर्फ हमें ये नहीं बताते कि आज दुनिया कैसे काम कर रही है. साइंटिस्ट शो अस व्हाट द अर्थ वॉज लाइक इन द पास्ट. वो साइंटिस्ट हमें ये भी बताते हैं कि ये ज़मीन पुराने ज़मानों में कैसी थी. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अर्थ हमारी ज़मीन तरक्की करती गई. तो साइंस ये सब कुछ हमें कैसे किसने बताया, साइंस ने. साइंटिस्ट ऑल्सो शो अस व्हाट इट मे बी लाइक इन द फ्यूचर. और साइंटिस्ट हमें ये भी बताते हैं कि आने वाले कल में इस ज़मीन में और क्या क्या हो पॉसिबल है.
ओके, साइंटिस्ट ने जो पास्ट में बड़े बड़े काम किए उसमें वो लोग मून पे गए, उन्होंने एयरक्राफ्ट स्पेस में भेजे, उन्होंने रॉकेट्स भेजी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दुनिया से बाहर। उसके बाद हमें साइंटिस्ट ने ही बताया कि हमारी जो अर्थ है, जिस गैलेक्सी में ये एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे और भी प्लैनेट्स हैं। उन्होंने फिर हमें उन प्लैनेट्स की तादाद बताई कि ये हमारे अर्थ के साथ 8 और प्लैनेट्स इस सन के गिर्द ऑर्बिट करती हैं, घूमती हैं। ये सारा कुछ हमें साइंस से पता चला। इसके अलावा साइंस के ही ज़रिए पता चला कि ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, कितनी हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, मिनरल्स, ये सारे हमें ज़मीन के नीचे, ऑयल, कोल, ये सारे हमारे पास ज़मीन के नीचे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। ये सब कुछ साइंस के थ्रू पॉसिबल हुआ। ओके, नाउ कम टू यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी, पेज नंबर 4। हमारा पहला यूनिट है द ह्यूमन बॉडी। ओके, दिस इज योर बोर्ड। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1, पेज नंबर 4 and 5। वी रीड ओनली पेज नंबर 4 and 5 विथ एक्सप्लेनेशन। यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म को कहते हैं। इंसानी जिस्म दो तरह की होती है। एक हमें जो बाहर से नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, जैसे हम बाहर से दिखते हैं, जिसमें सिर्फ हमारी स्किन नज़र आती है, तो वो हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है, जिसमें सिर्फ हमारा सर, हमारी नोज़, आईज, लिप्स, ये सारी हमें नज़र आती हैं, हमारे हैंड्स, हमारे फीट। ओके, ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। लेकिन हमारी ये जो यूनिट है, ये सारा हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट पे है। बॉडी पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटरनल बॉडी पार्ट, मतलब इंसानी जिस्म अंदर से कैसा है। इंटरनल बॉडी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हेड से। अपने हेड पे हाथ रखें बच्चों। आप लोग को हेड पे क्या फील होता है, हेड पे क्या हो सकता है? स्टार्ट हमारा, अल्लाह ने हमारी बॉडी को स्टार्ट कहाँ से किया है? तो हमारे पास सबसे पहले आता है ब्रेन, हमारा दिमाग। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे दिमाग के बारे में। इंटरनल बॉडी पार्ट में आते हैं ये। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे हर्ट का, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये ह्यूमन हर्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किडनीज। किडनीज हर्ट के साथ ही होती है और ये हमारी बॉडी को सांस लेने में मदद देती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटन, बोन्स के बारे में, और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा मसल्स का होगा। ये बोन्स और मसल्स, ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे। ये जो बच्चों आप लोग को ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ब्रेन, हर्ट, लंग्स, किडनी, स्केलेटन, मसल्स, ये सारी हमारी अंदरूनी अंदर की तरफ होता है, बॉडी के इंटरनल में होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, तो हमारे बॉडी का हिस्सा, बट उसको अल्लाह ने कवर किया हुआ है स्किन से, बोन से, इसको अल्लाह ने कवर किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ब्रेन, दिमाग है क्या। ओके, वी विल स्टार्ट द ह्यूमन बॉडी इंटरनल पार्ट, अंदरूनी पार्ट के बारे में बॉडी के पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ योर टॉप ऑफ योर बॉडी। इन द टॉप ऑफ योर बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो दैट देयर इज द ब्रेन।
ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन का काम मैसेजेस लेना है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारी आईज साइट सेंस में आता है, हमारी ईयर्स साउंड सेंस में आता है, टंग टेस्ट सेंस में आता है, नोज स्मेल सेंस में आता है, एंड हैंड्स टच सेंस में आता है। ब्रेन हमें मैसेजेस देता है, जैसे कि हमारी आई को मैसेज देता है कि बोर्ड को देखो, या फिर कोई भी खूबसूरत चीज़ हो उसको देखने में हमें ब्रेन हेल्प करता है। ये सब कुछ हम आई से जितने भी काम हम लेते हैं वो हमें ब्रेन करवाता है। उसके बाद ईयर्स, हमारे कान हमारे ब्रेन के ज़रिए सुनते हैं। हमारा ब्रेन वो चीज़ सुनता है पहले, और वो फिर हमारे कानों को कहता है, अलाउ करता है कि वो बात हम सुने। सबसे पहले हर चीज़ ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन फिर डिफरेंट सेंस ऑर्गन से में ऑर्गन्स में उसको डिलीवर करता है। फिर है टंग, जैसे कि हाँ, अगर हम कोई अपनी टंग अपने मुंह में कोई गर्म चीज़ डालें तो हमें फौरन से महसूस होता है कि वो चीज़ गर्म है। तो ये चीज़ हमें कौन बताता है, ये सब फील कौन करवाता है? ब्रेन। फिर आता है, और अगर हम कोई ठंडी चीज़ खाएं तो वो भी हमें कैसे पता चलता है? ब्रेन के थ्रू। ब्रेन के थ्रू हमें पता चलता है कि ये चीज़ ठंडी है। फिर आता है स्मेल, स्मेल में हमारे पास प्लेजेंट स्मेल्स भी होते हैं और अनप्लेजेंट स्मेल्स भी होते हैं। वो अनप्लेजेंट स्मेल्स वो स्मेल्स जो हमें नहीं अच्छी लगती, और प्लेजेंट स्मेल्स वो स्मेल्स जो हमें जो खुशगवार होती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं। तो ये सारा हमें ब्रेन बताता है कि ये खुशबू है और ये अनप्लेजेंट स्मेल है। उसके बाद हमारे पास है टच। टच हम अपने हाथों से टच करते हैं। अगर कोई चीज़ गर्म हो तो हम उसको जब टच करते हैं जो हमें फील होता है वो उस टाइम वर्क कौन कर रहा होता है? ब्रेन। ब्रेन से हमें पता चलता है, ब्रेन हमें मैसेज देता है कि ये चीज़ गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना। अब आता है, हम आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम। ब्रेन देखें, ये इस शेप में बना हुआ है जैसे हमारे पास अखरोट होती है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन भी है उसी शेप में। देखें इसमें बहुत सारी हमारे पास वेन्स होती हैं। इसको अल्लाह ताला ने बहुत ही बारीकी से बनाया हुआ है। ब्रेन को अल्लाह ताला ने एक हार्ट इसके ऊपर कवर बनाया है, ये जो हमारा हेड है, ताकि इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये ब्रेन बहुत, जितना ये काम करता है उतना ही ये नाजुक भी है। ब्रेन की जो बिगेस्ट पार्ट है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड तकसीम किया गया है, एक है राइट साइड और दूसरा है लेफ्ट साइड, मतलब राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रम। अब राइट सेरेब्रम का क्या काम है और लेफ्ट सेरेब्रम का क्या काम है वो मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है नीचे। द राइट साइड ऑफ सेरेब्रम हेल्प्स टू थिंक अबाउट कलर्स, म्यूजिक, शेप्स। जो आसान आसान चीज़ें होती हैं जैसे कि कलर्स को जानना, आइडेंटिफाई करना, म्यूज़िक को सुनना और समझना, शेप्स को डिफ्रेंशिएट करना, ये जो जितने भी आसान काम हैं ये राइट सेरेब्रम करता है। और उसके बाद हमारे पास आता है द लेफ्ट साइड सेरेब्रम। द लेफ्ट जो लेफ्ट साइड होता है सेरेब्रम का, ये हेल्प करता है विद ब्रेनी थिंग्स, जैसे कि दिमागी चीज़ें होती हैं, दिमाग जिसमें दिमाग काम करता हो, जैसे कि मैथ्स, मैथ्स के सम सॉल्व करना, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे कि साइंस, साइंस को समझना। साइंस में बहुत ही ट्रिकी चीज़ें होती हैं, तो जितनी भी ट्रिकी चीज़ें, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं वो हमें लेफ्ट सेरेब्रम, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन करवाता है। जैसे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस भी तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं ना, तो उनको सीखने में जो मुश्किल होती हैं, मतलब एक लैंग्वेज जो हमारी अपनी नहीं है लेकिन उसको सीखते हैं हम, तो वो हम लेफ्ट साइड सेरेब्रम से सीखते हैं।
या आप लोग के पास कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसको अपनी बुक में नोट कर लें। ये हमारा पूरा सेरेब्रम है, इसको डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक हमारा लेफ्ट सेरेब्रम होता है और एक हमारा राइट सेरेब्रम। ये हमारा राइट सेरेब्रम है, हमारा राइट सेरेब्रम जो आसान चीज़ें सिखाता है हमें, हमें मेमोराइज करवाता है, ये हमारे इट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारी और ये हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को, हमारे बॉडी की उल्टी साइड को, शोल्डर से लेकर पाउंड तक उल्टी साइड को कंट्रोल करता है। और हमारा लेफ्ट सेरेब्रम जो कि ट्रिकी चीज़ों को हमें हेल्प करता है मेमोराइज करने में, मैसेज पहुंचाने में, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट सेरेब्रम। मतलब इनका क्रॉस का रिलेशन है, हमारा राइट सेरेब्रम हमारी लेफ्ट बॉडी साइड को प्रोटेक्ट कंट्रोल करता है, उससे काम करवाता है, और हमारा जो लेफ्ट सेरेब्रम है वो हमारे बॉडी की राइट हैंड राइट साइड को कंट्रोल करता है, उससे काम लेता है। ओके, अब आ जाते हैं बुक रीडिंग पे। हमारी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऐसे है, आप लोग मिरर के सामने खड़े हो जाएं, आप लोग को मिरर में अपना बॉडी नज़र आएगा, तो वो आप लोग का एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, मतलब बैरूनी हिस्सा आप लोग की बॉडी का। और इंटरनल मैंने आप लोग को बताया पूरा, मैंने डायग्राम एविएट्स के थ्रू, इंटरनल में सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा ब्रेन। ओके, अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। वी विल स्टार्ट आवर एडवेंचर थ्रू साइंस विथ यू, यू आर अ ह्यूमन, सो लेट्स लुक एट द ह्यूमन बॉडी। ये वही कुछ जो मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया, हम सब ह्यूमन हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में स्टार्ट हमारा सबसे, हम टॉप से लेते हैं, आप लोग का टॉप सबसे पहले है ब्रेन। वी विल स्टार्ट एट द टॉप ऑफ यूअर बॉडी, एज यू नो दैट्स वेयर यूअर ब्रेन इज। यूअर ब्रेन हेल्प्स यू टू स्पीक एंड थिंक। हमारा ब्रेन का सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि वो हमें बोलने में और सोचने में हेल्प करता है। हम बोलते भी ब्रेन के मैसेजेस के थ्रू हैं और सोचते भी ब्रेन के ही जरिए हैं। इट हेल्प्स यू टू बैलेंस एंड मूव। और ये क्या करता है, ये हमें तवाज़ुन से चलने और हरकत करने में मदद करता है। मतलब हमारा ब्रेन सही है, सही वर्क करता है, तो हम बैलेंस से, तवाज़ुन से चलते हैं। मतलब रास्ते में चलने का एक तरीका होता है ना, अगर किसी का ब्रेन ठीक नहीं है, ख़राब है, डैमेज है, जैसे कि आप लोगों ने कभी पागल देखा हो, कहीं भी देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो बैलेंस से नहीं चल पाते क्योंकि उनका ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता, उनमें डिसऑर्डर्स होती हैं, वो डैमेज होती हैं, इसलिए वो बैलेंस से मूव नहीं करते, वो उनका हरकत करना अजीब सा होता है, कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी